तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 33 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दो बॉडीज गिवन है, 1 kg एंड 2 kg, और ये क्या गिवन है, x1 y1, ये क्या गिवन है, x2 y2। आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, m1 x1 m2 x2 by m1 plus m2। तो आप प्लीज़ वैल्यूज पुट करें, m1 x1 m2 x2 m1 plus m2, तो x कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी आएगा। ठीक हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन HCl मॉलिक्यूल का हमने ऑलरेडी किया हुआ है, HCl मॉलिक्यूल हमने किया था। तीसरा क्वेश्चन, 3 point masses हैं, क्या गिवन है, m1 m2 and m3, क्या गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आपको क्या निकालना है इसमें, x और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा आंसर, m1 x1 m2 x2, चेक करो, अभी किया, अच्छा ठीक है, करने तो जरा प्लीज, देखना चाह रहा हूँ किसकी क्या स्पीड है। ठीक है, आ रहा है, तो इसमें m1 x1 के हिसाब से आपके पास आंसर 7/6 आ रहा है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया हुआ है, आइडेंटिकल स्फीयर वाला क्वेश्चन था, मैंने करवाया था, और वो प्लेस टुगेदर है, एक फ्लोर के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, और हैंड रिटन शीट के अंदर भी था, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, हमने किया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं करना, गलती से डल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है ये, इसको क्रॉस कर दो, ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, ये गलती से इस चैप्टर में डल गया, ये अगले चैप्टर में करना है, इसको नहीं करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ये भी किया हुआ है, कैसे करते थे, इसका सेंटर और तीनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ऐसे किया था। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, लास्ट टाइम ही किया, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को आप अरेंज कर सकते हो, 4 number of blocks मैंने कहा था, हिट एंड ट्रायल से कर लेना, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया जिसका आंसर 4 था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये करना है। सेंटर सी से निकालना होता है हमेशा। तो याद है हमने डिस्क कटिंग की थी, डिस्क में से डिस्क काट दो, तो क्या फॉर्मूला किया था, एक्स सेंटर ऑफ मास का a1 x1 a2 x2 a1 minus a2। a1 का मतलब पूरे डिस्क का एरिया, a2 का मतलब कटी हुई डिस्क का एरिया, x1 का मतलब इसका कोऑर्डिनेट, x2 का मतलब इसका कोऑर्डिनेट। तो c का कोऑर्डिनेट निकाल, c को तो ओरिजिन मान लो 0,0, सी में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सी को तो मान लो 0,0, तो C1 बोलो क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, टोटल 28 में से 21 गया, क्या आया 7, तो 7,0, x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, चेक करो।
कितना आंसर आया? बहुत टाइम लगाया, तो इसमें सबसे पहले एरिया ए वन क्या आएगा? बड़ा जो डिस्क है उसका रेडियस क्या है? 28, तो पाई इंटू 28 का स्क्वायर, 56 डायमीटर है इसका, 55 × 28 का स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। जो छोटे डिस्क है उसका रेडियस क्या है? 21, 42 डायमीटर है, तो 42 × 2 क्या होता है? 21, तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर, A1A2 आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि इसका जो सी कोऑर्डिनेट है, सी सेंटर, आपको ये बताना है कि सेंटर से कितनी दूरी पे आ गया आपका ये जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये निकालने के बाद सेंटर मास कितना शिफ्ट हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0.0, और C1 में ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, तो 7.0, तो ये क्या बन गया? X1, ये क्या बन गया? Y1, ये क्या बन गया? X2, ये क्या हो गया? Y2। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। अब जो आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये टर्म क्या हो गई? 0। ये टर्म एज इट इज आ गई 21 × 21 × 7, और डिनोमिनेटर में पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे 28 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर माइनस करके डिवाइड कर रहे हो? मत करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आसान हो जाएगा आंसर। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करना, फटाफट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट 8th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9th ऑलरेडी हमने किया हुआ है, 9th हमने किया हुआ है। 9th क्वेश्चन के अंदर एक काम करो, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन है कि आपके पास एक, ये आपके सामने एक रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, 4 मीटर लेंथ है, 4 मीटर लेंथ है। आपको क्वेश्चन में गिवन है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय लैम्डा, याद है? लीनियर मास डेंसिटी, मास अपॉन लेंथ इज लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 × x, ठीक। आपको इसका मतलब कि लैम्डा x के साथ चेंज हो रहा है, आपको क्या बताना है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? मुझे पहले ये बताओ इसे फॉर्मूला क्या लगेगा, बाकी तो बात की बात है। फॉर्मूला क्या लगेगा सेंटर ऑफ मास का? फॉर्मूला जब नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, M1 M2 नहीं होता, लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम फॉर्मूला बुकलेट में चेक करो, लिखवाया था, जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ, बिल्कुल ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था? DM × x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM, बिल्कुल सही। तो रॉड वाला जब क्वेश्चन आता है वैसे ही करना होता है, क्लियर है? तो इसमें DM की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। DM का मतलब क्या है? स्मॉल मास। स्मॉल मास के लिए आपको कहीं पर भी क्या लेना पड़ेगी? स्मॉल लेंथ, मान लो आपने स्मॉल लेंथ क्या ली इसकी? dx। तो इसका स्मॉल मास क्या होगा? λ × dx। इसका जो स्मॉल मास होगा वो क्या होगा? λ × dx। कोई डाउट इसमें? लैम्डा का मतलब मास पर लेंथ को लेंथ dx से मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल मास आ गया लैम्डा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कितना? 2x × dx। क्लियर है यहां तक? तो हमने इसमें क्या निकाल लिया? DM निकाल लिया। इस DM की वैल्यू को, जो भी आपने ये DM निकाला, इस DM की वैल्यू को यहां और यहां पुट करें, और लिमिट क्या लगेगी? क्योंकि dx के साथ इंटीग्रेशन चलेगी तो रॉड की लेंथ क्या है? 4 मीटर, तो 0 से 4 और 0 से 4। ट्राई करना, DM की वैल्यू को पूरी की पूरी टर्म को उठा के यहां और यहां पुट करो और इंटीग्रेट करके आंसर निकालो क्या आ रहा है।
8.3. तो इसमें dm की जो वैल्यू पुट की तो क्या आएगा, 2x dx इंटू एक्स 0 से लेके 4 तक डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह 2x इंटू dx कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक, ठीक ये वैल्यू है। तो इसके अंदर 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसल, x से x मत कैंसिल करना प्लीज, कॉन्स्टेंट्स कैंसिल हो सकते हैं, x की तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो न्यूमिनेटर में अलग इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर dx 0 से लेके 4 तक, और डिनोमिनेटर की अलग करनी पड़ेगी x dx 0 से लेके 4 तक। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर जब इंटीग्रेट करेंगे तो न्यूमिनेटर क्या आएगा x क्यूब बाय 3 0 से लेके 4 तक, और डिनोमिनेटर क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 4 तक। तो लिमिट्स पुट करें यहां पर, एक बार 4 एक बार 0 एक बार 4 एक बार 0, न्यूमिनेटर अलग सॉल्व करें डिनोमिनेटर अलग सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है 8/3। ओके 8/3 मेथड समझ में आ रहा है। रॉड की क्वेश्चन, रॉड का जब भी क्वेश्चन आएगा यार ये तो रटा पड़ा है, मतलब मेरे से बंदे कुछ भी नहीं करना इसमें, पता है डीएम सॉल्व करो लैम्डा डीएक्स पुट करो आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि कल को नया क्वेश्चन आएगा रॉड पता नहीं कैसी आएगी, रॉड ऐसी आएगी, रॉड रॉड ही होती है, कोई फर्क ना पड़ता, फॉर्मूला फॉर्मेट एक ही रहता है सभी क्वेश्चंस का। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन को तो ऑलरेडी हमने किया हुआ था लास्ट टाइम, सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एक डिस्क में से इस बार मैंने स्क्वायर काट के फेंक दिया, तो a1 x1 - a2 x2 / a1 - a2 सेंटर मास कितना शिफ्ट हुआ निकालो। क्या करेंगे इसमें, सर्कुलर डिस्क में से स्क्वायर को काटा है। अब सर्कुलर डिस्क का एरिया सबको पता है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है r, तो a1 क्या आएगा पाई r स्क्वायर, a2 क्या आएगा स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में ये डायगोनल हाफ डायगोनल गिवन है r/2, हाफ डायगोनल गिवन है r/2, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी पाइथागोरस, r/2 का स्क्वायर का r/2 का स्क्वायर का अंडर रूट साइड, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का साइड स्क्वायर, तो r क्या r/√2 का होल स्क्वायर r² / 2 कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो आप इसकी साइड तो नहीं, ये गलत है ये मत करना एरिया, तो आप इसमें ये गलत किया हुआ है अंडर रूट, तो यहाँ से सॉल्व करें कि साइड आ गया, साइड का स्क्वायर करें तो a2 आ गया, साइड का स्क्वायर a2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो a1 आ गया a2 आ गया, तो अब अभी काम करें इसका कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या लेंगे 0, 0, तो इसका सेंटर क्या लेंगे 0, 0, फिर इसका सेंटर क्या लेंगे बोलो क्या r/2, 0 x1 y1 आ गया x2 y2 आ गया, तो वैल्यू पुट करो x सेंटर ऑफ मास में a1 x1 a2 x2 / a1 - a2, तो चेक करो x1 और x2 दोनों की वैल्यूज आ गई, आंसर निकालो क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करो।
सी आ गया, तो क्या किया, ए वन पूरे डिस्क का पाई आर स्क्वायर क्लियर है, ए टू साइड जो इसको सॉल्व करके साइड आएगी वो आर बाय रूट टू, तो साइड का स्क्वायर ए टू आ गया, ए वन आ गया ए टू आ गया, कोऑर्डिनेट में डिस्क के लिए पाई आर स्क्वायर और कोऑर्डिनेट इसका जीरो, और स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर बाय टू, कोऑर्डिनेट कितना आर बाय टू अपॉन ए वन माइनस ए टू। तो इससे जब वैल्यूज को पुट करेंगे सॉल्व करके ये टर्म आएगी, तो इसको प्लीज सिंप्लीफाई आपने करना है और सी ऑप्शन चेक करो, इसका सी ऑप्शन आएगा। तो दूसरे बैच में एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर इसका बी और डी तो एलिमिनेट ही हो गया, क्योंकि जब मैं इसको आधा सॉल्व कर रहा था तो मुझे डिनोमिनेटर से पता लग ही रहा था कि आंसर 2π-1 आएगा, तो ये वाले ऑप्शन हो नहीं सकते थे, पर ये तो फिर भी चेक करने पड़ेंगे, तो आपको सॉल्व तो फिर भी एक अंदाजे से करना ही पड़ेगा आंसर क्या आएगा। पर वो कह रहा था कि मुझे एलसीएम से पता लग ही गया था 2π-1 में आंसर आएगा, तो मैंने 2π-1 कर दिया, ठीक है गलत भी नहीं है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है, एलसीएम से पता लग रहा है 2π-1 आंसर है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, मेथड क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, नंबर क्या था उसका, 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। फोर पार्टिकल्स जिसके मासेस 2m, 4m, m और m4 आर प्लेस्ड इन चार कोनों पे, प्लेस कर दिया, स्क्वायर की साइड क्या है a, अगर स्क्वायर की साइड a है, और वो कह रहा है कि m4 की वैल्यू क्या हो कि इन चारों का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाए। तो अगर आप इसे ओरिजिन मानते हैं 0, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, 0, इसका क्या होगा 0, a, इसका क्या होगा a, a, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a/2 और a/2। तो सही, तो बेसिकली क्या हुआ, आपको क्वेश्चन के अंदर x1 y1 पता है, आपको x2 y2 भी पता है, x3 y3 पता है, x4 y4 पता है, और इवन आपको x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास पता है, आपको m1 पता है, m2 पता है, m3 पता है, m4 निकालना है। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करें x सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, x सेंटर ऑफ मास की जगह a/2, m1 m2 m3 क्वेश्चन में यहाँ से पुट करें 2m 4m जो भी है पुट करके m4 निकाल लें, क्या आ रहा है m4 निकाल लें।
तो यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट करें, एक्स सेंटर ऑफ मास की जगह क्या पुट करेंगे, ए बाई टू, एम वन की जगह क्या पुट करेंगे, टू एम, एक्स वन की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, एम टू की जगह क्या पुट करेंगे, फोर एम, एक्स टू की जगह क्या पुट करेंगे, ए, एम थ्री की जगह क्या पुट करेंगे, एम, एक्स थ्री की जगह क्या पुट करेंगे, ए, फिर एम फोर की जगह एम फोर, एक्स फोर की जगह जीरो, अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, एम फोर अननोन है और ये वैल्यू पता है, सॉल्व करके एम फोर आएगा, जो इन ऑप्शन में से नहीं आ रहा, शायद थ्री एम या फाइव एम कुछ ऐसा आ रहा है, जो भी आ रहा है डी नन ऑफ दीज है। निकालना कैसे समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। इलेवेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, देखो इसके अंदर वो कह रहा है मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस ए। अगर रिंग के ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सेंटर ऑफ मास पक्का सेंटर पे आएगा, और अगर मास एक जगह ज्यादा हो एक जगह कम हो तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे नहीं आएगा, कहीं और आएगा। अभी मुझे पता नहीं कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर हो सकता है कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर बहुत थोड़ा मास हो और यहाँ पर खूब सारा मास हो, यहाँ पर थोड़ा मास थोड़ा मास थोड़ा मास थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर खूब सारा मास हो। देखो सिमेट्री देखो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मास ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम और कम, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, इसके सेंटर में। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि मास तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर पर कैसे आएगा, आ सकता है, क्योंकि अगर यहां पर ज्यादा मास कर दोगे बाइसिमेट्री और यहां पर कम कम करोगे तो भी सेंटर ऑफ मास भी आके रुकेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये भी केस हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है कि यहां पर मास कुछ ज्यादा ही है और इस वाले पोर्शन में थोड़ा कम है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा, ऐसे ही होगा। फिर ऐसे हो सकता है कि यहां पर मास बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है, यहां पर काफी कम है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता जाएगा शिफ्ट होता जाएगा और लास्ट बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके रुक सकता है, वो भी तब जब यहाँ पर बिल्कुल नेग्लिजिबल मास है और यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा मास है तो सेंटर ऑफ मास इसके ऑलमोस्ट बाउंड्री पे आ जाएगा, तो यानी कि जीरो और ए के बीच में रह सकता है, जीरो भी हो सकता है और ए भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में जीरो और ए के बीच में रहेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक पिक्चर ली है जो आदित्य हो गया हुआ है सोलर सन के पास एल वन, तो देखिए आपने गूगल पे आज के न्यूज़पेपर में आई हुई है, अब देख लेना क्या है उसमें, उसने सेल्फी भेजी है किसकी, अर्थ की और मून की, आज हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में, सेल्फी टेकन बाय आदित्य एल1, तो उसमें क्या है रियल टाइम पिक्चर ली है उसने अर्थ की और मून की, अर्थ और मून की पिक्चर में मून अखबार वालों को एरो के साथ पॉइंट करना पड़ा कि देख लो इतना सा मून है अर्थ के सामने, इतनी बड़ी अर्थ और इतना छोटा मून, एक बॉल से भी छोटा, मतलब इतना इतना छोटा कि विजिबल भी नहीं था, एक डॉट की तरह लग रहा है और वो दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर वाले ये मून है, तो सोचो मास ऑफ अर्थ कितना बड़ा होगा एज कम्पेयर टू मून, कि सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट अर्थ के ऊपर ही है, ठीक। जाके देख लेना आज के न्यूज़पेपर या गूगल पर सर्च कर लेना कि एल1 आदित्य की जो जो फोटो आई है, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस हुई है वो, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट 13, वो डायग्राम मैं देखना, मगर सही नहीं लग रहा मुझे डायग्राम, वो सही नहीं है, इसको देखना सिर्फ,
देखो जीरो कैसे आ रहा है, पहली बात तो ये है कि नहीं जीरो आ रहा है कैसे, मैन जिसका मास 80 केजी है इज राइडिंग ऑन अ स्मॉल कार्ट जिसका मास 40 केजी है, और जो 40 केजी की जो कार्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है. ही इज रनिंग ऑन द कार्ट सो दैट हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू कार्ट, ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है जो कि कितनी है 3, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द कार्ट. इसलिए डायग्राम गलत बन गया, इसको एरो को उल्टा होना था. ठीक है, तो हो क्या रहा है इसमें, इसके अंदर जो कार्ट है जो कि 40 केजी का कार्ट है, देखो वो तो आगे जा रहा है, ये डायग्राम यूज कर लेते हैं, 40 केजी का जो कार्ट है वो तो आगे जा रहा है और 80 केजी का जो मैन है वो आगे की बजाय पीछे जा रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये इसकी कौन सी वेलोसिटी गिवन है, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है. अब मेरे को तो एक बात समझ में आती है, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, तो कोई बोला कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, मैंने कहा क्यों, कहता जी जैसे बोट पे मूव करते हैं बोट पीछे आती है तो कैसे लगेगा सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, ये वो क्वेश्चन ही नहीं है. वो क्वेश्चन तब लगता है अगर बोट स्टेशनरी हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो और मैन आगे जाए बोट पीछे आए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर मैन आगे जा रहा है बोट पीछे जा रही है, सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे है बाद में भी रेस्ट पे रहता है, ये वो थोड़ी ना, ये तो कार्ट को पहले धक्का मार रखा है 2 मीटर पर सेकंड, तो रेस्ट पे है ही नहीं पहली बात तो, और इसके अंदर वो मैन उल्टा जा रहा है तो इसमें एक्शन रिएक्शन लग ही नहीं रहा. इसमें तो कुछ ऐसा हो रहा है जैसे वो ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन के छत पे कोई बंदा भाग के पीछे जा रहा है, ऐसा केस है. तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है नहीं, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है. तो इसमें सिंपली काम करेंगे m1 into v1 करेंगे, m2 into v2 करेंगे अपॉन m1 plus m2 करेंगे. जो मैन है उसका मास क्या है 80. अब प्रॉब्लम क्या है, मैन की जो वेलोसिटी है, अब ऐसा तो होगा नहीं ये रिलेटिव पुट कर दो और ये एब्सोल्यूट पुट कर दो, ऐसा ना होता है, या तो दोनों एब्सोल्यूट हैं दोनों रिलेटिव हैं, तो दोनों एब्सोल्यूट ही पुट करनी होती हैं. तो हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, मैन अगर पीछे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड और आप ग्राउंड पे हो, ग्राउंड का मतलब आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखना चाहते हो, मेरी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, तो ध्यान से देखना, मैं 1 सेकेंड में 3 मीटर इधर जाता हूँ और कार्ट मुझे 2 मीटर 1 सेकेंड में पीछे ले आती है. तो आपसे पूछा कि मैं 1 सेकेंड में अल्टीमेटली कितना पीछे गया, ओके फिर से, मैं 1 सेकेंड में 3 मीटर आगे जाता हूं, नीचे की कार्ट मुझे 1 सेकेंड में साथ की साथ 2 मीटर पीछे लेके आती है, तो अफेक्टिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ मेरा, 1, क्योंकि मैं 3 आगे जाता हूं 2 पीछे आता हूं, 3 आगे जाता हूं 2 पीछे आता हूं, तो यानी कि मेरी जो वेलोसिटी आएगी आपके हिसाब से, आप ग्राउंड पे बैठे हो आप सब देख रहे थे, तो ग्राउंड के हिसाब से मेरी रिलेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो 1 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट इसमें समझ में आ रहा है ऐसा क्यों, तो इसका मतलब इसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1, फिर कार्ट 40 इंटू माइनस टू क्यों, क्योंकि मैन इधर जा रहा है तो कार्ट ऑपोजिट जा रही है, दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिवाइडेड बाई 80 प्लस 40, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, 0. सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा, एट रेस्ट, पर ये चांस की बात है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहीं से लगेगा नहीं. अगर मैन की वेलोसिटी कल को 3 की जगह 30 गिवन होती तो थोड़ा आंसर 0 आता, तो इसलिए ये इसलिए 0 नहीं है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए 0 है कि चांस की बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही ऐसी गिवन है कि आंसर 0 आ रहा है. बट करना कैसे समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक. क्वेश्चन नंबर 14th का आंसर सर्कल तो नहीं है कम से कम, कैसे करेंगे चेक करें, ये गलत आंसर है. करके देखना पड़ेगा, कैसे करोगे, किसका,
कैसे किया था? पहले आपको क्या गिवन है? दो पार्टिकल्स गिवन है, दो इक्वल मासेस गिवन है, m और m. v1 वेक्टर पता है, v2 वेक्टर पता है. फर्स्ट पार्टिकल की एक्सीलरेशन a1 वेक्टर पता है और a2 वेक्टर क्या है? जीरो. आपको क्या बता रहे हैं कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है दो पार्टिकल्स का, वो कैसे मूव कर रहा है? क्योंकि क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास पे है, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी किसकी निकालनी पड़ेगी? सेंटर ऑफ मास की. तो m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. ऐसी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की निकालें, फॉर्मूला m1 a1 वेक्टर, m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सॉल्व करो जरा, वैल्यूज पुट करो, आंसर क्या आ रहा है चेक करो. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेक करना क्या आ रहा है और एक्सेलरेशन क्या आ रही है भाई, मतलब आई कैप प्लस जे कैप बोल दो. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है? नहीं, आई कैप जे कैप में आएगा ना आंसर, तो नहीं करना ही नहीं. ये आंसर ये आ रहा है क्या? ऐसी एक्सेलेरेशन निकालना क्या आ रही है? एक्सेलेरेशन वेक्टर, एक तो वेक्टर जीरो हो जाएगा यहां पर. वैल्यूज तो पुट करनी है, क्या आ रहा है? 3/2 आई कैप प्लस जे कैप, 3/2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है. तो इसमें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम लाइन में आई कैप प्लस जे कैप, तो यानी कि पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आंसर स्ट्रेट लाइन है. मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाते हुए हिंट भी दिया था एक बार कि अगर मान लो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की आंसर क्या आता है, ये आंसर आता है, और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का आंसर आ जाता है आई कैप माइनस जे कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो. इसका मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, ऐसा एक ही केस में होता है जब पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल. मैंने लिखवाया भी था ये शायद फॉर्मूला बुकलेट के अंदर, स्पेशल नोट करके कहा था, क्योंकि सर्कल के अंदर वेलोसिटी टेंजेंट होती है और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होती है टुवर्ड सेंटर, और दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या रहता है? 90. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो सर्कल, और अगर स्ट्रेट सेम लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन. तो यहां पर सेम लाइन है, स्ट्रेट लाइन. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15. क्या हुआ है? ये भी क्या हुआ है? सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालो. इसका फॉर्मूला याद है? मैंने नोट करवाया था फॉर्मूला, और सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का हमने किया था, और ये फॉर्मूला हमने किया था.
तो एक काम करो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, m1 m2 पुट करो और सॉल्व करो आंसर क्या आ रहा है। स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जब आपने एक्सेलरेशन को निकाला तो आंसर क्या आया, 10/9 g/9 आया। पर आपसे एक्सेलरेशन नहीं पूछी, आपसे पूछा व्हाट इज दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन क्या लगी कि एक एक्स्ट्रा बताया था, 0 + 1/2 80 स्क्वायर, तो 1/2 × एक्सेलरेशन g/9 का स्क्वायर × टाइम का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 2.22 मीटर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास पूछ रहा है या डिस्प्लेसमेंट। और मजे की बात है ऑप्शन दोनों देके बैठा है वो, और मजे की बात है लोग आंसर मार्क कर रहे हैं लेकिन मीटर है पढ़ नहीं रहे, मीटर है आप निकाल रहे हो एक्सेलरेशन, तो वैसे मिसमैच है। नहीं 2.22 आ रहा होगा, ये 10/9 है, हाँ 2 का स्क्वायर है। अच्छा वैसे ये 2 का स्क्वायर करो, हाँ नहीं 2 से 2 कट गया, सॉरी ये गलत है, ऐसे गलत है ये 1/2 a2, नहीं ये गलत है यार, इसमें ऐसे करना पड़ेगा इंटू g/9 इंटू 2 का स्क्वायर। अब ठीक है, नहीं आ रहा ये पॉइंट क्लियर है, बस यहां से आंसर 2.22 ही आएगा। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था वो रेंज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, आ रहा है ठीक है। तो इसके अंदर आपको v1 पता है, v2 पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो v1 m1 v1 + m2 v2 v2 तो 0 / m1 + m2, तो आंसर क्या आएगा इसमें 10 m/s। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूबिकल ब्लॉक वाला मैं कर लिया था, आइस मेल्ट वाला लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी हमने किया था। क्या आंसर आएगा इसका, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन क्यों है? मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया था कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है जिसका मास m1 है और m2 है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अगर आप m1 को पुश करते हो बाय डिस्टेंस ऑफ d, तो बताओ इसको कितना डिस्टेंस पुश करोगे ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज ना करे। तो लास्ट टाइम क्या करवाया था, m1 * d1 = m2 * d2, ऐसे d डैश की वैल्यू क्या आएगी, m1 * d डिवाइडेड बाय कितना m2, कोई डाउट इसमें? तो d डैश की वैल्यू आएगी, कोई डाउट? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ये हमने फॉर्मूला नोट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी डन, प्रोजेक्टाइल के वो दो टुकड़े हुए थे हमने किया हुआ है। इस क्वेश्चन की ना फिगर नोट कर लो, 22 इसकी ब्लॉक ऑफ मास m वाले की, इसकी फिगर नोट करो, फिगर मिसिंग है।
तो इसको हैंड रिटन शीट के अंदर करेंगे, मैंने किया हुआ है इसे सॉल्व थोड़ी देर में। एक क्वेश्चन मैंने उड़ाया आपके असाइनमेंट में से, ये वाला नहीं है, ये है उड़ाया मैंने, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन था, मुश्किल था काफी, वो मैंने हटाया है। ठीक है, नेक्स्ट शीट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लास्ट टाइम किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया था लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 0 क्यों है? मैंने बताया था क्योंकि ये दो पार्टिकल अपनी म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब पास आते हैं, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल नहीं है। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा हुए पार्टिकल पे, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इंटरनल फोर्सेज सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो एक पार्टिकल M1 है, एक पार्टिकल M2 है, ग्रेविटेशनल पुल इंटरनल फोर्स है उनकी, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, M1 M2 को खींच रहा है, M2 M1 को खींच रहा है, और मान लो एक मिनट के लिए दे आर अलाउड टू मूव, दोनों मूव कर पाते हैं। ध्यान आगे, ठीक है, तो मान लो M1 M2 एक दूसरे को म्यूचुअल फोर्स से अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो M1 एंड M2, तो मान लो M2 को F फोर्स लगी, M1 को भी F फोर्स लगी। अब जब M1 M2 को फोर्सेस सेम लग रही हैं, तो ये मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A1 और ये मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ऑफ A2, यानी कि M1 into A1 is equal to what? M2 into A2, जिसका मास बड़ा होगा वो एक्सेलरेशन छोटी होगी, जिसका मास छोटा होगा एक्सेलरेशन बड़ी होगी, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। और अगर एक्सेलरेशन को टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करें, वेलोसिटी बाय टाइम, तो M1 V1 = M2 V2, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वैसे ही इसमें लगने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस केस में सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं कर सकती, तो रेस्ट पे रहेगा वो, कितनी भी वो अपने आप मूव करते हुए आ रहे हैं, इट एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, जितनी मर्जी तेज से पार्टिकल एक दूसरे को हिट करे। हिट कहाँ पर करेंगे? एट एयर सेंटर ऑफ मास, वो मिलेंगे कहाँ पर? सेंटर ऑफ मास। अच्छा फिर कर लो फिर, पहले कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, स्प्रिंग वाला भी क्वेश्चन किया था, M1 V1 M2 V2 वाला, ये क्वेश्चन भी कर लिया सेम, कुछ इसमें कुछ है नहीं, सेम है। इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ, तो इसमें करना क्या है, 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस r आर प्लेस टचिंग ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हुए हैं 3 बॉल्स, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर पाया जाएगा? इनके इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रोइड पे पाया जाएगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट से, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है, गलत है, पता नहीं मिसप्रिंट है, पर आंसर भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ द पार्टिकल, फोर्स पे डिपेंड, क्या आपने सेंटर ऑफ मास के किसी भी फॉर्मूले में फोर्स का आता हुआ देखा? M1 X1 कोऑर्डिनेट्स और मास पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे नहीं डिपेंडेंट। पर एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि फोर्स पे डिपेंड होना चाहिए, मैंने कहा कैसे? वो कहते देखो, अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो, सेंटर ऑफ मास मूव करता है, तो करता है, तो मैंने कहा ठीक है, तो बेंच को मूव करवा, बेंच का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? बेंच के सेंटर पे। तुझे मूव करवा रहा है तो बेंच से पूछ रहे सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, वो फिर से बोलेगा मेरे सेंटर पे। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? M1 X1 M2 निकाल लिया, अब मैंने उनके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के उन्हें नए कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो उनका जो नया कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास डिसाइड होगा, फोर्स थोड़ी ना उसमें आएगा, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, फिर फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करना। सेवन्थ,
नहीं होगा, नहीं फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। एक मिनट, इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आज हमने किया भी था। आप यहां पर लैम्डा लें, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, आज रॉड वाला क्वेश्चन किया था सेम। आंसर आया इसका 2 मीटर आ गया। तो इसमें आज वाला ही क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने लेंथ 4 मीटर ली थी, इसमें 3 मीटर है, और मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में जो पहले तो रॉड की जो लेंथ है, ठीक है, रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 3 मीटर है, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो एक काम करो, यहां पर एक कोई भी अपने मन से कांस्टेंट लगा दो, कुछ भी कांस्टेंट लगा दो के, राइट। तो कांस्टेंट लगा दिया यहां पे। नेक्स्ट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और डीएम कैसे निकालना सिखाया था, स्मॉल एलिमेंट ले लेना है डीएक्स, तो डीएम क्या है, लैम्डा इंटू डीएक्स, तो डीएम विल बी इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा किसके इक्वल है, के इंटू एक्स इंटू कितना, डीएक्स। तो आप डीएम यहां पे और यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स इंटू डीएक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई के इंटू एक्स इंटू कितना, डीएक्स। के से के कैंसल, 0 से 3 मीटर, 0 से 3 मीटर, इंटीग्रेट करो ऊपर नीचे, तो आंसर यहां पर निकाल लेना 2 मीटर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो रॉड वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th ये हो जाएगा। m1 m2 मासेज हैं और r1 वेक्टर r2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो क्या फॉर्म लगेगा, m1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, इजी है।
टेंथ के बाद क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ वही म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरनल अट्रैक्शन से पार्टिकल पास आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे है तो बाद में भी किस पे रहेगा, एट रेस्ट। नेक्स्ट 2% ऑफ मासेस 55 एंड 65 केजी आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बोट और लेंथ ऑफ द बोट 3 मीटर है एंड वेट 100 केजी है। तो यहाँ पर अब 3 मासेस हैं, दो मैन हैं और साथ में एक बोट है। अब वो कह रहे हैं 55 केजी का मैन उठता है और 65 केजी के पास चला जाता है, कॉर्नर दोनों इकट्ठे हो गए, सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, देखो बोट रेस्ट पे है, चल नहीं रही पानी के ऊपर, रेस्ट पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब मैन आगे चलेगा तो बोट पीछे आएगी, सेंटर ऑफ मास आइसोलेटेड सिस्टम है तो अगर खड़ी बोट पे आप चलते हैं बोट पीछे आती है, तो सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बंदे बिठा रखे हैं बोट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 65 केजी का कोई काम नहीं है, बोट का मास अगर 100 केजी है, मैन का 65 जो कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो मान लो बोट का मास ही 165 केजी है, कुछ करना तो है नहीं उसने, तो 55 केजी मूव करेगा तो बोट पीछे जाएगी, सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, ये नहीं करने ये मोमेंट। इसके बाद क्वेश्चन है भी नहीं इसमें। 30 नेक्स्ट कौन सी शीट है, 30 शायद नंबरिंग गलत हो गई है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 पोजीशन वेक्टर्स हैं m1 m2 एंड m3 r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लगेगा, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 + m2 + m3 इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया था आपको, फिगर भी मैंने नोट करवाई थी कि हाफ डिस्क या कोन का सेंटर ऑफ मास किस हाइट पर लाई करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सेमी सर्कल रिंग है जिसका आंसर 2r/π था, अपने फॉर्मूला बुकलेट में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डिस्क में से फिर डिस्क काट दी, कट किया, देखो क्या आएगा, आ गया, नहीं सी ए ए आंसर है इसका, ए है, देखो वो माइनस में जाएगा, मैं भी ये कहने लगा था, क्योंकि अगर आप इसको ओरिजिन लेते हैं तो आंसर लेफ्ट की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ क्या है, माइनस में आएगा, माइनस में एक ही ऑप्शन है। खैर कोई बात नहीं, इसके अंदर क्या करेंगे, पूरी डिस्क लेंगे पहले, जो कंप्लीट डिस्क है उसका एरिया क्या है, A1 है, कंप्लीट डिस्क का जो रेडियस है वो क्या होगा, A, तो आंसर क्या आएगा, π a² ठीक है, जो कटी हुई डिस्क है उसका रेडियस क्या है, a/2, तो क्या आएगा, π a/2 का होल स्क्वायर, कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 और इसका क्या होगा, a/2, 0, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो a/2 हो गया, तो ये क्या आ गया x1, ये क्या आ गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2, क्लियर है यहां तक, तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, x सेंटर ऑफ मास का a1 x1 a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 - a2, तो a1 a2 की वैल्यूज को पुट करेंगे, x1 x2 पुट करेंगे, x1 तो स्ट्रेट वे क्या आएगा यहां पर 0, सॉल्व करके आंसर आएगा, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि अगर सेंटर को आप ओरिजिन मान रहे हैं और आपका सेंटर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट होगा तो माइनस माइनस में आंसर आएगा। वैसे वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट में जो भी ऑप्शन गिवन है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर अगर सी ओरिजिन पे है तो ये आंसर शिफ्ट होने के बाद 0, 0 कैसे आएगा, ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, ये इसलिए बनेगा क्योंकि लेफ्ट के ऊपर है, ये तो वैसे ही बनेगा, तो आंसर वैसे आ गया, बिना सॉल्व के ही आ गया इसका मतलब। ठीक है, तो थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, डिस्क में से डिस्क कट करना है, सेम है, r/6 रिपीट है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन किया हुआ है, किया हुआ है, मैंने अपनी हैंड रिटन शीट में लास्ट टाइम करवाया था, बस यहां पर मैन था यहां पर डॉग है, तो करना क्या है, देखो वो याद है ये किनारा था, तो मैन 8 20 मीटर दूर है,
तो हमने ऐसे किया था, मैन लिया था 20 मीटर दूर है, अगर मैन 8 मीटर पास आएगा तो बोट पीछे जाएगी, तो टोटल अगर 20 मीटर है, अगर ये डॉग 8 मीटर पास आता है तो किनारे से डिस्टेंस क्या हो जाता है, 12 मीटर, पर क्योंकि बोट पीछे आ जाती है तो आंसर 12 मीटर से ज़्यादा आया था, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन रिमेन्स सेम, ऐसा हमने किया था, तो आंसर 13 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर था इसका। तो याद आ रहा है क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर में किया हमने क्वेश्चन, फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स किया हुआ है, क्या आंसर है चेक करना, क्या आंसर है आपको याद आ रहा है, सी है, अच्छा करना जरा क्या आंसर है, क्या आंसर है, अच्छा कैसे करेंगे, इसका सेंटर C1 या ओरिजिन है तो बोले इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 2 मीटर है, 2 मीटर का आधा क्या है 1 मीटर, 2 मीटर का आधा इज 1 मीटर, 1 मीटर का आधा इज 1/2 मीटर, तो ये हाफ और हाफ हो गया कोऑर्डिनेट C1, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 1 है, 1 प्लस हाफ क्या है 3/2, 3/2 और हाफ, 3/2 और हाफ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हाफ और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और डिवाइडेड बाय आप कर लेना सबका मास 111 kg है, तो x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें,